हेलो एवरीवन, रेडी? आज का क्लास पे रेडी? देखो, लास्ट क्लास रे मैं जहाँ पढ़ाई तार आम क्वेश्चन किसी डिस्कसन करवा किसी क्वेश्चन मुझे कराई थी। आज आउ किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो लिखाई वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर अलोंग ए एंड एंगल्स मेड बाय वेक्टर ए विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जोड़ा अच्छी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एटा आराम से आसीबो, समस्त आसीबो। केते मैग्नीट्यूड कुओ, केते हो मैग्नीट्यूड? क्वेश्चन नंबर 1 रो सॉल्यूशन फर्स्ट बिट वेक्टर ए रा मॉडुलस और खाली ए केता हो अंडर रूट 3 रो 3 वेरी गुड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर तो एगला 9 ये एगला कोन आइजबो अरे एटा को एमती भी अच्छा एटा को एमती भी करिए जो देखा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर किए 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बुझे हो ना ठीक अच्छे तो 5 स्क्वायर कॉमन नहीं जीवा तो 1 प्लस 1 तेरे के दे जीवो 5 रूट 2 ही जीवो ना 5 रूट 2 यूनिट 5 रूट 2 तो ठीक है ना चलो 5 रूट 2 यूनिट है गला ठीक है यूनिट तो आपने कौन बचा अच्छे कौन बचा अच्छी रे यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्रत्येक वेक्टर का डायरेक्शन किए देखा है तारा यूनिट वेक्टर तो वेक्टर ए रा डायरेक्शन किए देखे वो ए क्या आप देखे वो तो सेकंड पार्ट का वार करिया ए क्या आप केमती वार कर जाए को फॉर्मूला को ए क्या प्रो ए क्या आप केमती यूनिट वेक्टर केमती हमें पाइवा को को कौन करिया एमती ना गोटे गिवेन वेक्टर को तार यूनिट वेक्टर सहित डिवाइड करदे तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए तो ये जीव ए वेक्टर किए जो अच्छे लिखी दियो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय के 5 √2 एटा आंसर ये आंसर दिस इज यूनिट वेक्टर ए कैप क्लियर क्लियर एटा तापरे कौन कहि देख तापरे कौन कहि एंगल्स मेड बाय वेक्टर विथ विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस माने एक्स एक्सिस सहित केते एंगल बनेला वाई एक्सिस सहित केते एंगल बनेला जेड एक्सिस सहित केते एंगल बनेला जोटा कि हमें लास्ट क्लास डिस्कशन करूँ ना मने पड़ी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा केमती कैलकुलेट करा जाए कहो कॉस अल्फा केमती कैलकुलेट करा जाए कहो कॉस ए एक्स बाय ए वेरी गुड कॉस अल्फा इक्वल टू ए एक्स बाय ए एक्स केते ठी एक्स केते 3 ए केते वाला ए केते वाला ए केते वाला 5 √2 तले ये पचर छी ये कौन कॉस अल्फा पचर ये पचर छी एंगल्स मेड बाय वेक्टर ए तले एंगल्स पचर छी माने मैं अल्फा बार करिया ना कॉस अल्फा बार कर तल तला कॉस इनवर्स 3/5 √2 वेरी गुड एटा हम अल्फा सिमिलरली बीटा मत कह दिव के बीटा इक्वल के किए कह कॉस इनवर्स 4/5 √2 बहुत बढ़िया गामा कह दिव गामा cos 45 degree वेरी गुड कॉस इनवर्स कॉस 45 degree आपको लिखे कॉस 45 जोड़ा कि 45 degree बाहर जीव 45 degree तो अल्फा बीटा गामा बाहर एटा बीटा दिस इज गामा तो सब गुटा सॉल्व हो गला बढ़िया क्वेश्चन एटा ये भाई क्वेश्चन के सॉल्व कर क्लियर ठीक अच्छे लिखी दियो सेकेंड क्वेश्चन को जीवा सेकेंड क्वेश्चन कौन कह फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर वेयर ए एंड बी ए रो कोऑर्डिनेट दे देला 1 2 3 एंड बी रो कोऑर्डिनेट देला 2 3 5 आर द गिवन पॉइंट्स काली कहि थिले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर केमती को करा जाए ना फाइनल माइनस इनिशियल और रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट से तो मैं पुट कर देबो चलो ए बी वेक्टर समस्त को ए बी वेक्टर केता हबो एटा 2 -1 आई केप लगे देबो तो ए जे बेटा
आई कैप तापरे थ्री माइनस टू तले वन एडाला जे क्या फाइव माइनस थ्री प्लस टू के क्या एबे क्वेश्चन पड़ा टू के क्या एबे क्वेश्चन पड़ा फाइव ने यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर तले ए बी क्या बाहर करीबा ए बी क्या तले ए बी क्या भेज कौन ना ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ये सुन लो बुझे हो तले ए बी वेक्टर होची आई क्या आफ प्लस जे क्या प्लस टू के क्या यार मैग्नीट्यूड कितने भैया वन रो स्क्वायर प्लस वन रो स्क्वायर प्लस टू रो स्क्वायर रूट ओवर नहीं की तले वन वन रूट सिक्स तो ये जो है रूट सिक्स एटा जो है आंसर तुम्हारो एटा गला आंसर बुझेला ना बुझेला जानी हो आउतरे कोई भी जानी ला ओके बहुत बढ़िया तले ये बढ़िया क्वेश्चन को तले ये क्वेश्चन नंबर टू है गला क्वेश्चन नंबर थ्री को जीबा क्वेश्चन नंबर थ्री कौन कह देखो फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप व्हिच इज मैग्नीट्यूड फोर यूनिट तले गिवन वेक्टर आगे कौन लिखी दियो गिवन वेक्टर लिख दियो कौन वेक्टर ए वेक्टर ए कितने अच्छे टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप क्वेश्चन टा भलसे पढ़ देख बार बार मुझे पढ़ू देख जापर कौन कौन फाइंड ए वेक्टर गोटे वेक्टर बाहर कर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर से कुछ यही वेक्टर जो गोटे नुआ वेक्टर बाहर कर जार डायरेक्शन टा यार डायरेक्शन हम आ मैग्नीट्यूड कैसे हम फोर हम तले ये कौन लेट मु गिवन वेक्टर ए नहीं गली आ जो आम कैलकुलेट करा एक्स नहीं जावा तले वेक्टर एक्स रो डायरेक्शन कौन हम ए रो डायरेक्शन आ जार मैग्नीट्यूड कैसे हम फोर यूनिट हम तले वेक्टर एक्स रो मैग्नीट्यूड कैसे फोर अब डायरेक्शन कौन है जो वेक्टर ए रो डायरेक्शन कौन रे ए क्या आउ थे पढ़ ली फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर तले डायरेक्शन हम ए क्या आ मैग्नीट्यूड कौन फोर यूनिट तले फोर ए क्या समस्त ए क्या बाहर कर दियो ए क्या बाहर कर दियो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड वेक्टर ए कितने ना टू वाई क्या माइनस ए क्या प्लस फोर के क्या डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड अंडर रूट टू स्क्वेयर प्लस माइनस वन रो स्क्वेयर प्लस फोर रो स्क्वेयर टू रूट ट्वेंटी वन रूट ट्वेंटी वन तो दिस इज कौन है ए क्या है गला यदि ए क्या है गला एक्स वेक्टर बाहर करवा एक्स वेक्टर कौन हम ना फोर ए क्या तले फोर मल्टीप्लाई कर दबो खास सहित ए क्या सहित ए क्या कहते टू आई माइनस जे प्लस फोर के क्या डिवाइडेड बाय रूट ट्वेंटी वन तले फाइनल एटा हो कौन केमी लिख देख एट बै रुट ट्वेंटी वन ना केमी लिख देख एट बै रुट ट्वेंटी वन आई क्या माइनस फोर बै रुट ट्वेंटी वन जे क्या प्लस सिक्सटीन बै रुट ट्वेंटी वन के क्या हला ओके क्लियर चला आंसर वेक्टर एक्स इक्वल टू एट बाई रूट ट्वेंटी वन आई कैफ माइनस फोर बाई रूट ट्वेंटी वन जे कैफ प्लस सिक्सटीन बाई रूट ट्वेंटी वन के कैफ एटा है गला नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर फोर कौन कौन इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैफ प्लस टू जे कैफ प्लस थ्री के कैफ एंड वेक्टर बी इक्वल टू टू आई कैफ प्लस थ्री जे कैफ प्लस के कैफ फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो समस्त आगे टू ए बाहर कर दियो समस्त टू ए कैलकुलेट करो टू ए तो सिंपली टू मल्टीप्लाई कर दियो वेक्टर ए रे तो ये टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो टू आई कैफ प्लस फोर जे कैफ प्लस सिक्स के कैफ ओके क्लियर दिस इज टू ए वेक्टर देन ऐड करो वेक्टर बी ऐड करो तो नाउ वेक्टर टू ए प्लस वेक्टर बी तो टू ए लिखी दियो टू आई कैफ प्लस फोर जे कैफ प्लस सिक्स के कैफ प्लस बी वेक्टर वेक्टर बी कहते टू आई कैफ प्लस थ्री जे कैफ प्लस के कैफ वेरी गुड तले टू आई आउ टू आई है फोर आई फोर जे आउ थ्री जे है सेवेन जे सिक्स के सेवेन के
दिस इज 2a वेक्टर प्लस 2a प्लस b वेक्टर सो फाइंड ए यूनिट वेक्टर कहै छै ना सो कहै छै फाइंड ए यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर बाहर करिवो तो यूनिट वेक्टर कौन केमदी बाहर करा जाय ना गिवन वेक्टर सहित तारा मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दबो ओके लेट दिस इज x वेक्टर दिस इज x वेक्टर न्यू वेक्टर इज वेक्टर x ताले x क्या बाहर करिवा सो x क्या इक्वल टू कौन वेक्टर x डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड वेक्टर x जोड़े कि 2a प्लस b केते वाला ना 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 7k क्या वेरी गुड डिवाइडेड बाय रूट ओवर तारो कारो 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर रूट ओवर 49 केते रूट 1148 आइ गला रूट 98 प्लस 16 सो रूट 114 ऊपर आइ गला 4i कैप प्लस 7j क्या प्लस 7k क्या आज जे के क्वेश्चन सब सॉल्व कर ली एला कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पढ़ीतिबा क्वेश्चन ओके कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे जते सब क्वेश्चन पढ़ीतला वेक्टर ए सब स्टाइल ले पढ़े तो तमे सब जानिथिबो बट क्वेश्चन टा को पढ़ी की कोटा अप्लाई केम दे अप्लाई करा जीवो सेटा को देखिबो ओके क्लियर लिखि दियो चट एबे नुवा जीवा नुवा उडे पार्ट पढ़ीबा दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर समस्त हेडिंग करो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स लिख मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स तर वेक्ट हाँ ओके एबे हमें जीवा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स तो वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन द फॉलोइंग टू वेज लिखो समझते वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड बाय द फॉलोइंग टू वेज कौन कौन नंबर वन कल डॉट दीटा वेक्टर भितर आम डॉट सिंबल देखि मल्टीप्लिकेशन जदि करिवा सो दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट अदरवाइज कॉल्ड स्कलर प्रोडक्ट ताको स्कलर प्रोडक्ट भी कहा जाए स्कलर प्रोडक्ट नंबर टू क्रॉस प्रोडक्ट और मैं बहुत जल्दी वेक्टर चैप्टर सारे की आओ नेक्स्ट चैप्टर को जीवा वेक्टर प्रोडक्ट बहुत पिलाटा को पढ़ी देखते तथापि आम किसी नुआ जिनस बाहर करवा जोटा कि तुम जान न तो डॉट प्रोडक्ट स्कलर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दुटा गिवेन वेक्टर आम नवा वेक्टर ए वेक्टर बी या जो मैं डॉट सिंबल देखि मल्टीप्लाई करवा डॉट ताले जो रिजल्ट हम दैट इज ए स्कलर क्वांटिटी गोटे न्यू क्वांटिटी बाहर सो दैट इज ए स्कलर तो से डॉट प्रोडक्ट को स्कलर प्रोडक्ट भी कहा जाए तुम जब दुटा वेक्टर भितर मल्टीप्लिकेशन करवा और थर्ड क्वांटिटी गोटे स्कलर हम तो डॉट प्रोडक्ट आ जब आम दुटा वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करवा आओ गोटे न्यू वेक्टर हम न्यू वेक्टर तले सर गोटे वेक्टर क्वांटिटी हम फर्स्ट जब स्कलर है डॉट प्रोडक्ट कहला जब वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट कहला से क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाए जहाँ मन में डाउट आसो केमती हमें धीरे धीरे जाना तथापि मुझे एग्जांपल दे दूँ तुम्हें स्कूल लेवल समस्त जानते जे वेक्टर एफ माने फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट फोर्स सहित डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करवा किए रिजल्ट कौन होता वाग्डन तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट वर्क इज ए स्कलर क्वांटिटी सो दिस इज डॉट प्रोडक्ट तो यहाँ एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट अच्छा वेक्टर आर पोजिशन वेक्टर ताको क्रॉस कल का सहित वेक्टर एफ तो रिजल्टा कौन हम वेक्टर टाओ टाओ टर्क कहा जाए मुझे कहबी एगुटा सब कौन आस्ते आस्ते जानवा आम टर्क तो टर्क इज ए वेक्टर दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट एबे डिटेल्स पढ़वा समस्त हेडिंग कर दियो डॉट प्रोडक्ट समस्त हेडिंग कर दियो डॉट प्रोडक्ट हेडिंग करो
कि जदि आम दुटा को स्कालार नवा ए और बी को आम स्कालार नवा मन पक स्कूल जो लिखुले ए डट दे कि जहाँ से ए बी बाहुला ए क्रस करके भी कर भी बाहुला तुम स्कूल लिखुल एक्स इंटु वाई एक्स वाई एमती भी लिखुल एक्स इंटु वाई एक्स वाई ये स्कालार यार किसी डट आउ क्रस किसी मीनिंग ना बट वेक्टर रे डट आउ क्रस मीनिंग बहुत अच्छे डट दे कि मल्टीप्लिकेसन कले तुम से स्कालार प्रडक्ट हो डट प्रडक्ट आउ वेक्टर दे कि क्रस दे कि मल्टीप्लाई कले दैट इज वेक्टर हो वेक्टर प्रडक्ट और क्रस प्रडक्ट स्टार्ट करवा डट प्रडक्ट थीमेटिकल मीनिंग बुझा डट प्रडक्ट इला दुटा गिवन वेक्टर वेक्टर ए रहा वेक्टर बी लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम मेंशन कर दिली लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ताले देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ए डॉट वेक्टर बी दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा याको एमती भी लिखी हेब वेक्टर ए रो मॉडुलस मैग्नीट्यूड वेक्टर बी रो मॉडुलस इनटू कॉस एंगल बिटवीन देम सो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स ए मैथमेटिकल फॉर्मूला रु हमें तार डेफिनेशन लिखिबा डेफिनेशन कौन जब डॉट प्रोडक्ट लिख द डॉट प्रोडक्ट मुझ यार मीनिंग बुझे देवी कहीं एमती करा द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड ऑफ विद द कोस एंगल विद द कोसाइन एंगल बिटवीन देम कोसाइन माने कोसाइन एंगल बिटवीन देम ओके हो गला डेफिनेशन लिखी देलु हमें द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स विद द कोसाइन एंगल बिटवीन देम ए जो थिला ना ए डॉट बी इक्वल टू कौन है ना ए रो मैग्नीट्यूड और बी रो मैग्नीट्यूड तको में मल्टीप्लाई करलु का सहित तांको भीते थिबा कॉस एंगल सहित सो ए बी कॉस थीटा लेट केम दिला चलो बाहर करिबा तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समस्त लिख ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट of dot product तो dot product एरा actual meaning हमें कौन बुझा ये कौ प्रकार multiplication हमें बुझे तो सी डायग्राम टा आउथरे ड्र कर वेक्टर ए वेक्टर बी है वेक्टर ए एटा वेक्टर बी मैं आपको नेमिंग कर दली पी क्यू आर एंगल नहीं जीवा थीटा चलो पी ए आर पॉइंट रे गोटे परपेंडिकुलर ड्र करदेबा एडु गोटे परपेंडिकुलर ड्र करदेबा आर पॉइंट रु एडी एडा परपेंडिकुलर ना दे देबा आर एस अगेन क्यू पॉइंट रु आउटे परपेंडिकुलर ड्र करदेबा क्यू पॉइंट रु ना दे देबा टी हियर पी एस एंड क्यू टू क्यू टी आर टू परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रेस्पेक्टिवली क्लियर चलो फर्स्ट ए ट्रायंगल टाक देखा पी क्यू पी क्यू टी ट्रायंगल को आम समस्त देखा मार्क करें ना आगे देखा पी एस आर एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल पी एस आर इन ट्रायंगल पी एस आर समस्त मार्क करो जे कॉस थीटा डी केता हो कॉस थीटा इक्वल टू केते हे किए कह कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच बी बाय एच तो दिस इज पी एस बाय पी आर पी एस बाय पी आर कॉस थीटा इक्वल टू पी एस किए रे एटा को आमको दरकार पी आर किए बी बी पुट करदे ये पी एस रखदे
इम्प्लाइज पी एस के बी कॉस थीटा दिस इज बी कॉस थीटा तो ये आम लिखिपर यहाँगला कौन पी एस हो कॉस थीटा क्लियर बी कॉस थीटा होगा ओके बुझी नेक्स्ट ये ट्राएंगलटा आम ना कौटा पी टी क्यू ट्राएंगल तो इन ट्राएंगल मुझे लिखे दूचा लिख ये लिखुचे इन ट्राएंगल पी दिस इज पी टी क्यू पुणी आउ थे कॉस थीटा लिखा ये ट्राएंगल कॉस थीटा कौन बुझा ये ट्राएंगल कॉस थीटा कौन ना बी बाय एच एटा दिस इज पी टी बाय पी क्यू पी टी बाय पी क्यू एम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू पी टी बाय पी क्यू किए ए तो पी टी के पीटी इक्वल टू ए कॉस थीटा पीटी इक्वल टू ए कॉस थीटा यहाँ से देखेद यहाँ ए कॉस थीटा दिस इज ए कॉस थीटा जानी हला एटा तो स्कूल पाठ ट्राएंगल रु आम कॉस थीटा बाहर कर दे पारिबा क्लियर तो बर्तमान आम जो डॉट प्रोडक्ट लिखीलु ए डॉट बी लिखीद फॉर्मूलाटा ए बी कॉस थीटा हला मु एक रखिली बी कॉस थीटा लिखिली एडी ए किए तुमर ना मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर पी क्यू दिस इज पी क्यू इनटू बी कॉस थीटा किए बी कॉस थीटा किए पी एस तो आम एम लिखिपर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू कंपोनेंट ऑफ बी कॉस थीटा किए बी कॉस थीटा ये बी जदि एटा पूरा वेक्टरटा बी हुए तर दुटा कंपोनेंट हो पार किए किए ना बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा तो ये गोटे कंपोनेंट क्यों कंपोनेंट ना बी कॉस थीटा तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी कले दुटा हो पार बी कॉस थीटा बी साइन थीटा केमती जाना एटा कॉस कंपोनेंट मैंने कौन केमती जाना ना इन द डायरेक्शन ऑफ कहा डायरेक्शन अच्छे देख ए डायरेक्शन में तो लिखिपर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए ये हो गला एमती बुझी पार चल आउ गोटे वे बुझा एगेन लिखा एगेन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एक ए बी कॉस थीटा मुझन बी को साइड रखिकी ब्राकेट रखी ए कॉस थीटा बी किए एटा किए पी आर दिस इज पी आर ए कॉस थीटा कौटा एटा पीटी तो बर्तमान लिखिपर पी आर बी हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए को कंपोनेंट ना कहा डायरेक्शन अच्छे बी डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी तो देख आउ थे कौन स्टार्ट कर डॉट प्रोडक्ट लिखाला ए डॉट बी केमती लिखाला ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एमती हो पार बाटी कराला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी तो जो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स एक्चुअल मीनिंग कौन ना गोटे वेक्टर मैग्नीट्यूड सहित आउ गोटे वेक्टर कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करने को कहा जाए डॉट प्रोडक्ट माने यदि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड नब एटा ए वेक्टर तेल या सहित मल्टीप्लाई कर बी वेक्टर कंपोनेंट बी को मल्टीप्लाई कर बी र कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर जोटा कि ए डायरेक्शन थी ए डायरेक्शन किए थाए बी कॉस थीटा तो गोटे वेक्टर मैग्नीट्यूड सहित आउ गोटे वेक्टर कंपोनेंट जे कि फास्ट वेक्टर डायरेक्शन थी ताकू मल्टीप्लाई करने को कहा जाए डॉट प्रोडक्ट बा उल्टा जदि जो एमती आउट नब वेक्टर बी सहित मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर बी डायरेक्शन में यार कंपोनेंट किए अच्छी ए कॉस थीटा तेल ए डायरेक्शन में बी कंपोनेंट बी कॉस थीटा बी डायरेक्शन में ए कंपोनेंट मल्टीप्लाई करने को कहा जाए डॉट प्रोडक्ट तेल गोटे वेक्टर डायरेक्शन में ये गोटे वेक्टर तो ये गोटे वेक्टर डायरेक्शन
अदर वेक्टर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करिया प्रोसेस होची डॉट प्रोडक्ट। एग्जांपल कहले आउट बेटर क्लियर हो जो एग्जांपल देखो धरे गोटे ब्लॉक को प्लेस कले गोटे ब्लॉक अच्छे एमती तापर आम तुम्हें फोर्स अप्लाई कर लो फोर्स तो जब डिस्प्लेसमेंट एक डिरेक्शन है तब तुम डायरेक्ट कह दौ डब्ल्यू इक्वल टू के एफ एस जब ट्रॉली बैग केमती एंगल करके धर ना ट्रॉली बैग गोटे तुम नौ ये धर ये ट्रॉली बैग एमती हैंडल तुम यूज कर एंगल करके फोर्स अप्लाई कर एफ लेट एंगलटा ग्राउंड सहित एंगलटा के थीटा तो ये फोर्स दुटा कंपोनेंट हो देख ये दुटा कंपोनेंट हो कौन कौन एपटे एफ कॉस थीटा एपटे हो कौन एफ साइन थीटा कंपोनेंट बनवा जानचु रिजोल्यूशन पढ़ाई मुझ आराम से करहब जो थीटा एंगल सहित जो कंपोनेंट है दैट इज कॉस कंपोनेंट एफ कॉस थीटा यहाँ जो एफ साइन थीटा बर्तमान देख एफ साइन थीटा सहित बॉडी रो वेट बैलेंस हम तले बॉडी को मूव करिया रे को कंपोनेंट हेल्प करुची एफ कॉस थीटा तले एफ कॉस थीटा ये हेल्प कला बॉडी को मूव करिया पई बॉडी धर एडी एडी डिस्प्लेस ला एस तले मोशन रे कौन दरकार है एफ कॉस थीटा ना एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा तो वर्तमान एफ कॉस थीटा इनटू एस करिवा दिस इज एफ एस कॉस थीटा दिस इज एफ डॉट एस व्हिच इज योर वर्क डन तो देख डॉट पर बिटवीन टू वेक्टर्स इज स्केलर भी भारी गला और एठी बुझी भी हला जे गोटिए वेक्टर डायरेक्शन रे माने वेक्टर एस डायरेक्शन रे एफ रो कंपोनेंट को हमें मल्टीप्लाई करलु हला ये डॉट प्रोडक्ट रो एक्चुअल मीनिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मुडे देखे देली लिखि दियो समस्त एटा नेक्स्ट जीवा में नेक्स्ट जीवा फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट एग्जांपल किछ नेवा प्रैक्टिकल एग्जांपल किछ नेवा लिख दियो एडिंग कर दियो फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट कौन जो फर्स्ट एग्जांपल हमें लिख लो नंबर वन कौन लिख लो डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो हमें डॉट प्रोडक्ट करवा तो वागडन बाहर तो वै डब्ल्यू इक्वल टू वागडन वागडन वेक्टर एफ दिस इज फोर्स वेक्टर वेक्टर एस दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट एटा होला कॉमन एग्जांपल एटा समस्त आम फॉर्मूला जानिछु अच्छा नुआ देखिबा नंबर टू मु वर्क रे एपटे एल एच एस टाइम डिवाइड करदेवि तर मुझे टाइम डिवाइड करदेली वर्क बाय टाइम एपटे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करदेली आ समस्त जानिछु डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम किए वेलोसिटी दिस इज फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर दिस इज कॉल्ड वर्क डन बाय टाइम द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड व्हाट पावर दिस इज पावर बट दिस टाइप ऑफ पावर इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर द पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जब गोटे पर्टिकुलर टाइम आम जब पावर कैलकुलेट करवा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर समस्त पावर लिखे पढ़ाती कि बेटर वर्ड हूँ कौन इंस्टेंटेनियस पावर क्लियर तो अब लिख पारे बर्तन instantaneous power is equal to the dot product of force vector and velocity vector mention kar dochu mu where vector p power likhiboni kon likhibo instantaneous power instantaneous power particular time re jo tumhe power calculate karucho tumhe jo gaadi mu gaadi jetra jaucho tumhe speedometer re dekhucho jo speed dekhucho सेटा कौन तुम से पर्टिकुलर मोमेंट रे ही देखु ना तो से भाया स्पीड को कौन कह जाए इंस्टेंटेनियस स्पीड कह जाए तो गाड़ी स्पीडोमीटर कार स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर बुझ तो जो मीटरटा था जो थे कंटा देखा 40, 50, 60 स्पीडोमीटर से जो स्पीडा इंस्टेंटेनियस कहीं पर्टिकुलर टाइम तुम स्पीड देखु सेमती पर्टिकुलर टाइम पावर इंस्टेंटेनियस पावर फोर्स वेलोसिटी तो बेसिक लेवल पे हमें ये दुटा एग्जांपल जानवा ये दुटा ही काफी बट आम जब कि कंपिटेटिव जावा आउ किसी एग्जांपल अच्छी जोटा कि तुम ट्वेल्थ में पढ़ से क्लीयर हो बर्तन से पार्टा कौन बुझीपार ना बट टर्म गुड़ा मन रख एग्जांपल गुड़ा मन रख ट्वेल्थ से हमें डिटेल्स पढ़ा नंबर थ्री मुझेपर बर्तमान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यूई इक्वल टू माइनस पी
डॉट वेक्टर ई तुम खाली एग्जांपल मन रख टॉर गुड़ा मन रख यूई कौन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी व्हाट इज वेक्टर पी दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तुम व्यस्त हो जाओनि एटा कौन कौन किसी एवं बुझा दरकार नहीं बस आम एग्जाम्पल मन रखा वेक्टर ई इलेवेन्थ पूरा इलेवेन्थ गुड़ा ना ट्वेल्थ पूरा चैप्टर अच्छी ये सब विषय आम से पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलरली आम मैग्नेटिक पार्टा भी लिखिपर यू बी लिखा मैग्नेटिक बी लिखि मैग्नेटिक फील्ड ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए यहाँ बी को लिखा जाए मैग्नेटिक फील्ड जो माइनस वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी वेयर यू बी इक्वल टू व्हाट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखा इलेक्ट्रिक व्हाट चेंज कर दो कौन जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी तापर वेक्टर एम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्लियर देन बी वेक्टर बी कहली एवं कौन एटा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और भी एग्जांपल अच्छे मैं आहरी एग्जांपल लिखिद जेहेतु भल पाटा अच मु समस्त यहाँ कहीदे कम आस तुम आग्जाम्पल लिखिपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेक्स्ट एग्जांपल नंबर फाइव फाइव ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर फाइव ई दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स टर्म पर व्यस्त हो किसी दरकार नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ए एरिया एरिया वेक्टर ओके या को आउट फॉर्म में लिखी हम लिखी हम फाइव ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस और डी ए ओवर ए क्लोज सरफेस एट क्लोज सरफेस सिंबल इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस ये भी व्यस्त हवा दरकार नहीं जस्ट तार फॉर्मूला मन रख नंबर फाइव हो गला सिमिलरली तार करेस्पोंडिंग आम मैग्नेटिक पार्टा भी लिखिद जमी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखाला सेमती हो पार कौन मैग्नेटिक फ्लक्स ये लिवे मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर सिक्स मैग्नेटिक फ्लक्स कौन ना फाइव बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए फाइव बी डाला मैग्नेटिक फ्लक्स वेक्टर बी कौन हो मैग्नेटिक फील्ड हाँ वेक्टर ए कौन हो एरिया वेक्टर हला और एडा को एमती लिख परिया और एम लिख परिया फाइव बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज सरफेस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए मैग्नेटिक फ्लक्स एमती भी लिखी हम आउ गोटे एग्जांपल दे देबी करंट आई आई इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डीए वेक्टर रो इंटीग्रेशन एडा आई आई ये जो कौन इलेक्ट्रिक करंट
वेक्टर जे करंट डेंसिटी एटा गोटे वेक्टर स्टार्टिंग रे कही करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर बट करंट इज ए स्केलर वेक्टर डी ए एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर तो जिते सारा मुझे एग्जाम्पल देली सबुत्र देख दीटा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन रे रिजल्ट कौन हो स्केलर डॉट्स वाई डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए स्केलर प्रोडक्ट एटा क्वेश्चन आसे वाई डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए स्केलर प्रोडक्ट तुम आंसर कौन लिख एज द रिजल्ट इज ए स्केलर सो इट इज कॉल्ड ए स्केलर प्रोडक्ट ओके लिखिद एग्जाम्पल सबू